दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। धोनी बनेंगे साउथ अफ्रीका टीम के मेंटर, राजस्थान रॉयल्स के बदले गए कोच, मुंबई इंडियंस का यूटर्न, एशिया कप के टिकट के लिए मारामारी, देशभक्ति में डूबे भारतीय खिलाड़ी, आईपीएल दुनिया के लिए कैसे बना खतरा और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारी आईपीएल अपडेट सीरीज का 531वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बीसीसीआई से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि वह महेंद्र सिंह धोनी को साउथ अफ्रीका टी20 लीग में मेंटर बनने की परमिशन दे दें। और उन्हें तगड़ा झटका तब लगा जब बीसीसीआई ने यह घोषित कर दिया कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी विदेश की लीग में नहीं खेलेगा। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, असल में चेन्नई सुपर किंग्स का कहना था कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वह कम से कम मेंटर तो बन सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस पर भी कहा कि यदि महेंद्र सिंह धोनी वहां पर मेंटर बनते हैं तो उन्हें आईपीएल से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे और कभी भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन उन्हें नहीं मिलेगी, ना ही खिलाड़ी के तौर पर और ना ही मेंटर के तौर पर, यदि वह साउथ अफ्रीका टी20 लीग में किसी भी तरह से अपनी भागीदारी लेते हैं तो। और दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई का नियम इतना ज्यादा कड़ा है कि एक बार साल 2019 में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक सिर्फ कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक मुकाबला देखने के लिए चले गए थे और वह डगआउट में मौजूद थे उस समय के कोलकाता के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ। तो इतने में ही बीसीसीआई सख्त कार्रवाई करने वाले थे कि दिनेश कार्तिक ने अपोलॉजी लेटर लिखा और बहुत तरह की प्रक्रिया से गुजरे तब जाकर वार्निंग के साथ उन्हें माफ कर दिया गया। और जिस तरह से चेन्नई धोनी को मेंटर बनाना चाहते थे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, उसी तरह से मुंबई इंडियंस सचिन तेंदुलकर या जहीर खान को भेजना चाहते थे, इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स गौतम गंभीर को। चलिए देखते अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। पर्ल रॉयल्स जो साउथ अफ्रीका में राजस्थान रॉयल्स की टीम है, उन्होंने यह घोषणा कर दिया है कि उनके जो कोच रहने वाले हैं वह रहेंगे साउथ अफ्रीका के ही पूर्व खिलाड़ी जेपी ड्यूमिनी। असल में जेपी ड्यूमिनी पहले से ही साउथ अफ्रीका के जो वहां की डोमेस्टिक टीम है पर्ल हार्बर उसके हेड कोच हैं और जो साउथ अफ्रीका लीग होगा उसमें भी उसी टीम के हेड कोच जेपी ड्यूमिनी बनेंगे। हालांकि भारत में जो राजस्थान की टीम है उसके हेड कोच संगकारा है। कुमार संगकारा को सबसे पहले इसके लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने बताया कि वह जनवरी के समय में फ्री नहीं है और शेड्यूल की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से जेपी ड्यूमिनी को यह पोस्ट दे दिया गया है। इसके साथ ही पर्ल रॉयल्स के कप्तान रहने वाले हैं जॉस बटलर। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मुंबई इंडियंस की टीम ने यूएई और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में टीमों का नाम घोषित कर दिया है, जिनमें नाम आता है एमआई केप टाउन और एमआई एमिरेट्स। और मुंबई ने क्लेरिफाई किया है कि यहां पर जो एमआई है उसका मतलब मुंबई इंडियंस नहीं है, बल्कि एमआई यहां पर माई को रिप्रेजेंट करता है और इंग्लिश में माई का मतलब होता है मेरा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन टीमों का उच्चारण एमआई केप टाउन नहीं होगा बल्कि माई केप टाउन होगा और माई एमिरेट्स होगा। वहीं आपको बता दें कि यह जो टीमें मुंबई ने खरीदी हैं इनका जो जर्सी रहने वाला है वह बिल्कुल ही मुंबई इंडियंस के जैसा रहने वाला है, ब्लू और गोल्डन कलर का शेड रहेगा। हालांकि डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा लेकिन कलर कॉम्बिनेशन वही रहेगा और इसकी भी जानकारी मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने पहले ही दे दी है। वैसे दोस्तों वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा ओवरएक्स के बारे में, जहां पर स्पोर्ट्स बुक्स, रमी स्पोर्ट्स, टेबल गेम्स और भी बहुत तरह गेम्स खेल सकते हैं जो कि बेहद ही आसान है, यहां पे कोई झंझट नहीं है। इसमें आसानी से अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं बिना कोई प्रूफ का। 1 लाख तक का स्पोर्ट्स वेलकम बोनस मिलता है यहां पर, बहुत तरह के प्राइजेस और कैशबैक मिलते हैं आपको यहां पर। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद 100 रुपए मिल जाएंगे और आराम से आप एक दिन के अंदर पैसों को अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं और तरह तरह के खेलों से पैसा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है एशिया कप को लेकर। आपको बता दें कि आज से एशिया कप का जो टिकट है वह बिकना शुरू हो गया है और यह सारे टिकट यूएई के सबसे पॉपुलर वेबसाइट जो टिकट बेचते हैं जिसका नाम है प्लेटिनम लिस्ट, उसमें से बुक हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वेबसाइट का बुकिंग जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही 7 लाख टिकट खरीदने के लिए लोग वेबसाइट पर एक साथ आ गए और वेबसाइट क्रैश कर गया। और यह सारे लोग भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट पर पहुंचे थे और उसके बाद वेबसाइट को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लोगों को लाइन में लगाना पड़ा, जैसे कि आप फ्लैश सेल में कुछ खरीदते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और आपको यह भी बता दें कि यह सारे मुकाबले दुबई में होने वाले हैं और जहां पर यह मुकाबला होगा उसका सीटिंग कैपेसिटी 40,000 से 50,000 ही होगा और आप देख सकते हैं बुक करने वालों की संख्या। तो यह क्रेज है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का और बाकी के जो मुकाबले होने वाले हैं जिसमें भारत नहीं है उसके टिकट आराम से बुक कर रहे हैं। और आप बुक करने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पांचवां बड़ा अपडेट। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस भारत में काफी धूमधाम से मनाया गया इस साल और इसमें हमारे भारतीय खिलाड़ी कहीं से भी पीछे नहीं थे। जहां पर इसके पहले सभी ने अपने डीपी को तो चेंज किया ही था, इसके साथ ही बहुत सारे खिलाड़ी भारतीय झंडे के साथ भी फोटो पोस्ट किए हैं अपने सोशल मीडिया पर, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, जिनमें नाम आता है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, केएल राहुल, सचिन तेंदुलकर, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सुमन गिल इत्यादि। और भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अपना जो मैसेज होता है देशभक्ति का वह अपने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर भी किया। आपने भी यदि आजादी का जश्न कुछ इसी तरह से मनाया था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है लेजेंड्स क्रिकेट लीग को लेकर। आपको बता दें कि लेजेंड्स क्रिकेट लीग आधिकारिक तरीके से 17 सितंबर से शुरू होने वाला है लेकिन उसके पहले 16 सितंबर को इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11
जापान का एक स्पेशल मैच होगा जिसमें सौरभ गांगुली भी रहेंगे, जो भारत के स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में होने वाला है। हालांकि हमने आपको इसके पहले जो डेट बताया था वह था 15 सितंबर, पर इसमें थोड़ा सा बदलाव करके 16 सितंबर कर दिया गया है इसे। और इसमें वर्ल्ड 11 में दो खिलाड़ी थे, हर्षल गिब्स और सनत जयसूर्या, अब वह नहीं खेलेंगे, बल्कि उनकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज डैनियल विटोरी शामिल किए गए हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया पर इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल करने का भी जबरदस्त डिमांड है, और क्रिकेट के फैन चाहते हैं कि इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी भी खेलें। हालांकि धोनी के खेलने के चांसेस इस मुकाबले में ना के बराबर हैं। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों, यहां अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर इयान चैपल को लेकर। असल में इयान चैपल काफी लंबे समय से कमेंट्री कर रहे थे, लगभग 45 साल से वह कमेंट्री कर रहे थे, और उन्होंने कमेंट्री से भी संन्यास लेने का फैसला कर लिया है आज। और यह अपडेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के वक्त आईपीएल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और कहा है कि जिस तरह से दुनिया में टी20 लीग का क्रेज बढ़ रहा है, उसकी वजह से पूर्व खिलाड़ियों को जो रिटायर हो चुके हैं वह काफी सारे मौके उन्हें मिलने वाले हैं, लेकिन समस्या है जो करंट के खिलाड़ी हैं उनके लिए। यदि किसी खिलाड़ी को चुनने का मौका मिलता है कि वह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलना चाहते हैं या तो फिर यूएई में टी20 लीग खेलना चाहते हैं किसी आईपीएल की फ्रेंचाइजी के द्वारा खरीदी गई टीम से, तो यदि वह चुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलना, तो उनका भारत में जो आईपीएल होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ सकता है क्योंकि वह आईपीएल की फ्रेंचाइजी को नाराज कर दे रहे हैं। तो उनके मुताबिक भी दुनिया में जो लीग है उनमें आईपीएल के फ्रेंचाइजियों के द्वारा पैसा लगाना खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं अपना आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों, अपडेट निकल कर आ रहा है चेतेश्वर पुजारा की तरफ से। भारतीय टीम के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने लगातार दो मुकाबले में शतक लगाया और वह भी काफी तेज शतक लगाया। जहां पर पहले मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 79 बॉल में 107 रन बनाए थे, तो दूसरे मुकाबले में 101 बॉल पर 174 रन बना डाले। और सबसे बड़ी बात है कि वहां की डोमेस्टिक सर्कल में चेतेश्वर पुजारा लिस्ट ए के खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए सबसे हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए हैं और उनका 174 रन वहां का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका है वनडे क्रिकेट में। और उनकी इस पारी ने उनके टेस्ट करियर को तो बचाया ही, इसके साथ ही हो सकता है चेतेश्वर पुजारा को लग रहा होगा कि अब गियर बदलना चाहिए क्योंकि टी20 फॉर्मेट ज्यादा पॉपुलर है और पैसे भी वहां ज्यादा है। तो यदि उस तरह के खिलाड़ी बनते हैं तो उन्हें तरह तरह की लीगों में मौका मिल सकता है, साथ ही में आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है यदि इसी तरह से वह आक्रामक तरीके से खेलते हैं तो। और इनके पारियों का पूरा हाईलाइट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, याद है आज के आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इस तरह की अपडेट्स आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।